राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है बाल कार्यक्रमों की श्रृंखला रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम एक उपयोगी कला तैराकी। बच्चों, तुम्हें पता है सारे विश्व में हर रोज लाखों लोग सागरों, नदियों, झीलों, तालाबों और तरणताल यानी स्विमिंग पूल में तैराकी का आनंद लेते हैं। और तैरने से शरीर में चुस्ती और फुर्ती आती है और हाँ, साथ ही साथ सभी मांसपेशियों का अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है। और बच्चों, ठंडे ठंडे पानी में तैरने का तो मजा ही कुछ और है। तैरना तैरना व्यायाम बड़ा ही अच्छा है, व्यायाम बड़ा ही अच्छा है। तैरना जो तैराकी बड़ी ही उपयोगी कला है। हाँ, ये कला इतनी उपयोगी है कि इससे किसी की जान भी बचाई जा सकती है। जैसे एक बार अच्छू का पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा और फिर वो पानी में डूबने लगा। तभी अच्छू की मीना मौसी भी पानी में कूद पड़ी। डरो मत अच्छू, मैं भी आ गई। इधर मेरे साथ, मैं हूं ना, इसे। मीना मौसी ने पानी की तेज धार का मुकाबला करते हुए अच्छू को डूबने से बचा लिया। अब पता लगा तैराकी के कितने लाभ हैं। बच्चों, अनेक पशु पक्षियों में तैरने की योग्यता जन्म से ही होती है, लेकिन हाँ, मनुष्य को यह कला सीखनी पड़ती है। और एक बार सीख लेने पर यह कला जीवन भर याद रहती है। मनुष्य को सीखनी पड़ती तैरने की ये कला, एक बार सीख ले तो याद रहती है सदा। मनुष्य को सीखनी पड़ती तैरने की ये कला, एक बार सीख ले तो याद रहती है सदा। तैरना तैरना व्यायाम बड़ा ही अच्छा।
हां तो बच्चों, मैं तुम्हें अच्छू के बारे में बता रहा था। तो भाई अच्छू को जब मीना मौसी ने पानी में डूबने से बचा लिया, तब अच्छू को समझ में आया कि तैराकी सीखना कितना जरूरी है। और तैराकी सिखाने के लिए उसकी मीना मौसी से अच्छा शिक्षक भला और कौन हो सकता है? जानते हो क्यों? क्योंकि अच्छू की मीना मौसी तैराकी में राष्ट्रीय चैंपियन है। तो बस अच्छू जी ने अपनी मीना मौसी को घेर लिया और पूछा, मौसी पानी में किस तरह तैरते हैं? देखो अच्छू, तैरने में हाथ और पैरों से पानी में हरकत करते हुए शरीर को आगे बढ़ाना पड़ता है। साथ ही हाथ और पैरों की गति में भी संतुलन रखना पड़ता है और इसके लिए कई दिन तक अभ्यास करना पड़ता है। अच्छा, तो पानी में तैरने का एक तरीका होता है। मैं तो पानी में गिरकर तैरने के लिए यूं ही हाथ पैर मारने लगा था। तभी तो तुम डूबने लगे थे। अच्छा, देखो अच्छू, पानी में तैरने के कई तरीके होते हैं और तैराकी का हर तरीका अभ्यास से सीखना पड़ता है। अच्छा, तैराकी के भी कई तरीके होते हैं? हाँ, तैराकी के भी कई तरीके होते हैं, जैसे फ्री स्टाइल यानी खुली तैराकी, बैक स्ट्रोक यानी चित होकर तैरना, ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल तैरना, और बटरफ्लाई यानी तितली के उड़ने की तरह तैरना। अब बताओ तो मैंने कितने तरीके बताए? चार। कौन कौन से? फ्री स्टाइल हाँ, यानी खुली तैराकी, शाबाश, बैक स्ट्रोक यानी चित होकर तैरना, ठीक, ब्रेस्ट स्ट्रोक यानी छाती के बल तैरना, शाबाश, और बटरफ्लाई यानी तितली के उड़ने की तरह तैरना, हाँ, शाबाश। अच्छा मौसी, मैं भी तैरना सीखूंगा, मुझे सिखाओगी? अरे वाह मेरे अच्छू, वाह, ये हुई ना बात, शाबाश। तो बच्चों, इस तरह अच्छू अपनी मीना मौसी से तैरना सीखने लगा। और क्यों ना सीखे भाई, तैरने से व्यायाम और मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए तैराकी सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, तुम भी अपने अध्यापक जी के साथ तरण ताल में जाओ और वहां तैराकी सीख रहे बच्चों को देखो और इस कार्यक्रम में बताई गई तैराकी की विधियों को समझो। तैराकी प्रशिक्षक से तैराकी के बारे में तुम अन्य जानकारी भी प्राप्त करो, जैसे भारत और विदेशों के मुख्य तैराक कौन कौन से हैं और इस वर्ष राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी की प्रतियोगिताएं मुख्य रूप से कब कब और कहां आयोजित की गईं। तैराकी के सभी तरीके तरण ताल में सीखने जाएं, देश विदेश में तैरने जाएं, नाम देश का खूब बढ़ाएं। तैराकी के सभी तरीके तरण ताल में सीखने जाएं, देश विदेश में तैरने जाएं, नाम देश का खूब बढ़ाएं। तैरना तैरना, व्यायाम बड़ा ही अच्छा है, व्यायाम बड़ा ही अच्छा है, तैरना एक उपयोगी कला तैराकी। अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम। परियोजना समन्वय एवं निर्देशन प्रभुदयाल खट्टर,
विषय संयोजन प्रोफेसर सुरेश पांडे, विषय मार्गदर्शन प्रोफेसर सत्यप्रकाश बान्याल, विषय परामर्श डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर अनूप राजपूत तथा डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख डॉक्टर बी आर धर्मेंद्र, कलाकार बाबला कोचर, सुचित्रा गुप्ता, समीर ठुकराल, गीत सरना तथा मेघा, संगीत एवं गायन संतोष कुमार, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, ध्वनि सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी, आलेख संपादन निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।